संगीत कलाकार का जीवन तो वैसे एक सॉलिटरी जीवन होता है, क्योंकि रियाज वगैरह हम लोग अकेले में ही करते हैं ज्यादातर। तो जी जाहिर सी बात है कि घर से ही हम लोग काम करते हैं। हालांकि जब मंच प्रदर्शन होता है तो बाहर जाना पड़ता है, यात्रा होती है कार्यक्रमों के लिए, लेकिन रियाज चिंतन मनन जो होता है वो तो अपने घर में ही होता है, चार दीवारों के बीच होता है, उसमें कोई प्रदर्शन की बात नहीं होती है। जी लेकिन हाँ, ये तो जरूर बात है कि रियाज और चिंतन मनन के लिए भी जो इंस्पिरेशन चाहिए वो बाहर की दुनिया का इंस्पिरेशन चाहिए होता है। अभी तो खैर पंछियों की आवाज शहर में बहुत दिनों बाद सुनाई दे रही है, लेकिन लोगों की आवाजें नहीं सुनाई दे रही है। ऑनलाइन बहुत सारा कुछ देखने सुनने को मिल रहा है, यहाँ तक कि कुछ जी फेस्टिवल्स भी हैं, क्लासेस वगैरह भी कर रहे हैं। तो इस जी तरह की टेक्नोलॉजी को कितना आप सही मानते हैं? ऐसा है कि हर मुसीबत का मतलब सामना तो करना पड़ रहा है हम लोगों जी को, तो जी इसके वजह से क्या हो रहा है कि फेस्टिवल्स यदि हो भी रहे हैं या प्रोग्राम फेसबुक लाइव वगैरह वगैरह पे हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि एक से ज्यादा कलाकार साथ में नहीं मिल बैठ रहे जी हैं, जी किसी ऐप का सहारा लेके कार्यक्रम हो रहा है। तो ऐप तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता ना, जो लाइव संगत कलाकार वगैरह है हाँ जी उसको तो आप, वो तो एक कॉम्प्रोमाइज है। और ये तो हम लोग अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हम शहर में रह रहे हैं, हमारे लिए ये इंटरनेट का जरिया है, एप्स है वगैरह, लेकिन मैं दूर दराज के जो लोग हैं, जो गांव में रह रहे हैं, जो हमारे लोक कलाकार हैं, जी उनका क्या हो रहा होगा, ये हाँ हम लोगों को सोचना चाहिए। जो लोक कलाकार है और उसमें संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, कितने जी विधाएं हैं, तो इन सब में जुड़े हुए जो कलाकार है उनका क्या हो रहा है, इसकी जी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए और उनकी मदद, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। ये बिल्कुल सभी पूरे समाज की एक जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल क्योंकि जो बिल्कुल कलाकार जो संगीत पे ही निर्भर हो रहे हैं और जी आजकल प्रोग्राम्स बंद हैं, तो ऐसे में उनके लिए बड़ी संकट की स्थिति है। जी क्योंकि तो वो डेली वेज लेबरर में भी नहीं आते ना, वो तो जी सेल्फ जी जी एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर जी है। तो जी जी चाहे वो गवर्नमेंट का पैकेज हो या सिविल सोसाइटी का हो, जी हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये तब हम सोचेंगे जब हम लोग सोचेंगे कि कला का हमारे जीवन में कितना प्राधान्य है। तो जी आज ये परिस्थिति है जब ये मूल सवाल हम लोग अपने आप से पूछ सकते हैं। तो ये वाकई में बहुत आपने अच्छा प्रश्न उठाया है और ये हमारे तमाम सुनने वालों को जरूर प्रेरित करेगा कि वे भी कुछ इस दिशा में सोचें और जो कर सकते हैं वो जरूर करें। क्या हम आपसे कुछ सुन सकते हैं इस वक्त? मैं थोड़ा सा पढ़न कर लेता हूँ। क्या बात है। ये क्या उस्ताद बात अमीर हुसैन खान साहब का टुकड़ा है। वाह क्या बात है। देखिए इसमें भी आनंद आ रहा है, ये हमारे शास्त्रीय संगीत की बड़ी खूबसूरती है, खूबी है कि किसी भी रूप में हमारे सामने आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ और मिलना चाहिए। चलिए बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।